लीनियर इक्वेशन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है 8x-4 x-3 इक्वल टू 2x, सही। आल्सो वेरीफाई योर आंसर, हमें इसका चेक रिजल्ट भी दिखाना है, सही। ये लीनियर इक्वेशन होती है, तो हमें शुरू से क्या करना बेटा, सवाल उतार लेते हैं। 8x-4 x-3 इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले हम करते क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के जो जस्ट पहले नंबर होता है उसका क्या करते हैं बेटा, जस्ट पहले, तो इससे पहले जो भी नंबर है इसका ब्रैकेट में कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या है ब्रैकेट में कितने ही नंबर हो उनके सारों के साथ, तो 4 है, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पहले x के साथ करेंगे, फिर करेंगे 3 के साथ। तो कर लेते हैं बेटा 8x-± 4 की x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, -± 4 की 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, इक्वल टू 2x। ठीक है बच्चे, फिर करेंगे क्या, एक्स एक्स वाली टर्म एक साथ ले आते हैं, ठीक है। 8x-4x, ठीक है, यो यहाँ से प्लस की थी इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 2x, ठीक है। और जो विदाउट x वाली है उसे एक साइड ले जाते हैं, इक्वल टू यो प्लस की थी इधर जाके माइनस की हो जाएगी 12, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो बच्चे, 8x को ऐसे लिख देंगे, 8x माइनस, जो माइनस माइनस की संख्या होती है क्या करते हैं, चिन्ह माइनस का आता है, संख्या हो जाती है प्लस, तो 4 8 2 हो गए 6x इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है माइनस का 12। अब क्या करेंगे बेटा, 8x प्लस माइनस माइनस, 8x में से 6x का है तो कितने बचे, 2x, ठीक है। चिन्ह उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है, 8 बढ़ाता तो 2x प्लस का आ गया इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में होता है उसे चले ले जाते हैं अपॉन में, तो x इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन 2, बेटे 2 से ही हो गया 6 बार, तो x इक्वल टू हो गया माइनस का 6, सही है x इक्वल टू माइनस 6। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है।